बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ द स्पीड इन फिजिक्स? स्पीड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे फिजिक्स में? तो देखे, हमने डिस्टेंस को इस तरह डिफाइन किया था कि एनी पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेट सपोज क्या ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये तीसरा पाथ है, ये चौथा हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये दो पॉइंट्स है ए एंड बी। इस पॉइंट ए और बी के दरमियान जो भी पाथ होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। अब हम स्पीड को किस तरह डिफाइन करेंगे? तो स्पीड का डिफिनीशन इस तरह है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन सेकंड। वन सेकंड में एक बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पीड। तो डिफिनीशन अगर हम लिखते हैं तो इस तरह है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। स्पीड का कंसेप्ट समझ गए कि जो डिस्टेंस कवर्ड होगा और वन सेकेंड में उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन सेकेंड इसका स्पीड। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। सो वन सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर्ड होगा एक बॉडी जो कवर करेगा उसको हम कहेंगे क्या, उसको कहेंगे हम स्पीड, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्पीड का कंसेप्ट ये है कि जो डिस्टेंस कवर होगा वन सेकेंड में उसको हम कहेंगे स्पीड। या द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, इसको इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्पीड। स्पीड को हम डिनोट करते हैं, स्पीड इज डिनोटेड बाय सिंबल वी, सिंबल वी, ठीक है। इस तरह मैथमेटिकली स्पीड हमारे पास जाहिर होता है किस तरह, देखें वी इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। सो डिस्टेंस को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल एस से, और पर यूनिट टाइम, तो टाइम को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल टी से। सो मैथमेटिकली जो स्पीड होता है वो बराबर होता है वी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी, एस डिवाइड बाई टी। इसी तरह स्पीड का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट ऑफ स्पीड इस हम इस मैथमेटिकल फॉर्म से निकालेंगे। किस तरह, देखें डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट, स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड ऑफ स्पीड भी क्या है, स्पीड भी है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर, वो क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हो उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। तो स्पीड क्या है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। सो ये हो गया स्पीड का कंसेप्ट, कि स्पीड का जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि जो डिस्टेंस कवर्ड होगा इन वन सेकंड में उसको हम कहेंगे स्पीड। स्पीड इज डिनोटेड बाय वी, सिंबल वी, और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्पीड इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय एस, सॉरी वी इज इक्वल टू एस बाय टी। यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और स्पीड क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम आएंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, वेरिएबल स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, इन सारों को हम अलग अलग इसका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड किस स्पीड को कहेंगे, देखें लेट सपोज ये क्या है, ये एक है डिस्टेंस, ठीक है, और ये इसका एक इंटरवल हो गया, ठीक है, ये इसका दूसरा इंटरवल हो गया, और ये इसका क्या है, तीसरा इंटरवल, सही है, ये इसके क्या है, तीसरा इंटरवल। सपोज एक बॉडी क्या करती है, जो इक्वल इंटरवल्स है, ये भी वन मीटर है, ये भी वन मीटर है, ये भी वन मीटर है, और ये भी वन मीटर है।
तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, अगर सपोज एक बॉडी ये जो इक्वल इंटरवल है इसको कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब सपोज अगर ये 1 मीटर जो इंटरवल है इसको कवर करती है 1 सेकंड में, इसको भी कवर करती है 1 सेकंड में, इसको भी कवर करती है 1 सेकंड में, और इसको भी कवर करती है 1 सेकंड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सपोज क्या करती है एक बॉडी, ये जो इंटरवल है 1 मीटर का ये भी कवर करती है 1 सेकंड में, ये 1 मीटर का जो डिस्टेंस है ये भी कवर करती है 1 मीटर 1 सेकंड में, और ये 1 मीटर भी 1 सेकंड में कवर करती है, और ये भी 1 सेकंड में, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। सो यूनिफॉर्म स्पीड को या कांस्टेंट स्पीड को, सॉरी स्पीड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड इफ कवर्स इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इसको हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, सो अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स equal distance and equal interval of time. As interval of time, so it is called uniform state. ठीक है, so uniform state समझ गए। Suppose एक body क्या करती है, equal interval of डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड नंबर है वेरिएबल स्पीड। सो वेरिएबल स्पीड कौन सा स्पीड होता है, वो स्पीड जिसमें बॉडी क्या करेगी, कवर करेगी अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेट्स सपोज ये क्या है, ये है टोटल डिस्टेंस, और ये इसका एक इंटरवल है 1 मीटर, दूसरा है इंटरवल 2 मीटर, और तीसरा कितना है 3 मीटर। सो वेरिएबल स्पीड कौन सा स्पीड होगा जिसमें बॉडी कवर करेगी अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, ये अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, ये एक इंटरवल कितना है 1 मीटर डिस्टेंस, दूसरा इंटरवल है 2 मीटर डिस्टेंस, तीसरा है 3 मीटर डिस्टेंस, सो ये अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है, और बॉडी क्या करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगी। किस तरह, लेट्स सपोज ये भी 1 सेकंड में कवर करेगी, ये भी 1 सेकंड में, और ये भी 1 सेकंड में, तो इसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल स्पीड। सो वेरिएबल स्पीड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसको कहते हैं कि ये जो कवर करेगी डिस्टेंस ये भी 1 सेकंड में, ये इंटरवल भी 1 सेकंड में, और ये इंटरवल भी 1 सेकंड में, तो इसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल स्पीड। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। स्पीड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, थर्ड नंबर है एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं सिंबल दिस से, वीक और दोनों साइड पे ही, ठीक है, और एवरेज स्पीड हमारे पास मैथमेटिकली बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। लेट सपोज इधर देखें, इधर टोटल डिस्टेंस जो है कितना है 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 1 मीटर और प्लस 0.5 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितने हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, और प्लस 1 प्लस 1। तो इस तरह हम एवरेज स्पीड निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल जो टाइम लेगा वो, तो इस तरह एवरेज स्पीड हमारे साथ फाइंड होगा। अगर आपने डेफिनेशन लिखना है तो किस तरह लिखेंगे कि द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एंड बाय टोटल टाइम, ठीक है, ठीक है। सो इस तरह हम एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इस नाम से जाहिर होता है कि एक इंस्टेंट पे आप किसी बॉडी का जो स्पीड निकालेंगे उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल एक सड़क पे लेट सपोज एक कार जा रही है, ठीक है, और आप दुकान में बैठे हुए हैं, जब वो आपके सामने से गुजरती है तो आप कहते हैं यार कि ये जो गाड़ी जा रही थी इसकी स्पीड थी फॉर एग्जाम्पल 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो उस
जो एक लम्हे पे आप इसका जो स्पीड नोट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंट एक लम्हे को कहते हैं, मतलब आप एक लम्हे पे एक स्पीड नोट करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एक लम्हे पे आप जो एक बॉडी की स्पीड होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैथमेटिकली इंस्टेंटेनियस बराबर होगा वी इंस्टेंट डिवाइड बाई लिमिट, इसमें लिमिट यूज होगा, ठीक है, और डेल्टा टी जो टाइम होगा वो बहुत शॉर्ट होगा, नियर टू जीरो के करीब होगा, ठीक है, डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, और चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये मैथमेटिकली। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सा स्पीड होगा कि एक इंस्टेंट पे एक बॉडी का जो स्पीड होगा उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो आई होप कि आपको स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। एनीवे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप फिर भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी मसला हल हो जाए। इस तरह आपने सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, और शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू।